आज रात 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। लॉकडाउन के बारे में हो सकता है कोई ऐलान। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन पर दिल्ली वालों के सुझाव मांगे। लोगों से पूछा क्या लॉकडाउन में छूट दी जानी चाहिए। एमसीडी टीचर की मौत पर दिल्ली सरकार देगी 1 करोड़ का मुआवजा। गरीबों को खाना बांटने की ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। आज से कई शहरों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। अब तक 50,000 से ज्यादा टिकटें बुक। रवानगी से पहले यात्रियों का टेस्ट। दिल्ली में मेट्रो में कार्यरत सीआईएसएफ के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में सीआईएसएफ में कोरोना से अब तक 27 जवान संक्रमित हो चुके हैं। पुणे से प्रयागराज जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 30 साल के मजदूर की मौत। मौत की वजह अभी साफ। लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे ब्रिटिश नागरिकों को रहा विशेष फ्लाइट से वापस भेजे गए। जम्मू कश्मीर से बाहर से आए हर शख्स की पहले जांच होगी। हजारों छात्रों और प्रवासियों की वापसी के मद्देनजर फैसला। बिना जांच कोई घर नहीं जा पाएगा। उज्बेकिस्तान से वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ्लाइट दिल्ली पहुंची। 1 साल का ओरियो नाम का कुत्ता भी इस फ्लाइट से लौटा। मनीला से 139 भारतीय छात्रों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा विशेष विमान। मिशन वंदे भारत के तहत हुई घर वापसी। गुजरात के मुख्यमंत्री चाहते हैं खत्म हो लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश ने भी की जल्द से जल्द सारे प्रतिबंधों को हटाने की मांग। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना को लेकर राजनीति ना करने की नसीहत। पीएम के साथ बैठक में पंजाब सरकार ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। कहा लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए अच्छी एग्जिट पॉलिसी की जरूरत। गुजरात में कोरोना मरीज 8,500 से ज्यादा। अब तक 500 से ज्यादा ने दम तोड़ा। यूपी के श्रावस्ती के एक गांव में मुंबई से आए 3 लोगों को कोरोना निकला। गांव को किया गया सील। मरीज को किया गया क्वारंटीन। सूरत से ओडिशा जा रही श्रमिक स्पेशल में सवार मजदूरों ने कलेक्टर पर बरसाए फूल। जय जगन्नाथ का नारा लगाया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी की बहनी के मुताबिक ईद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं। कोई किसी के घर ना जाए, घर पर ही खुशियां मनाएं। कोरोना संकट के बीच सिक्किम ने रचा इतिहास। 3 महीने में सामने नहीं आया संक्रमण का एक भी मामला। लॉकडाउन में मालामाल हुआ राजस्थान का परिवहन विभाग। लॉकडाउन तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूल किया 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर में कुछ मजदूरों को पीटते दिखे पुलिसकर्मी। डंडे और पैर से किया प्रहार। पुलिस ने 4 मजदूरों पर ही वसूल